In this video, we'll understand how to deal with cubic polynomials. इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. रूट्स का मतलब होता है जीरोस, या फिर हम इसे वैल्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6, मतलब उसमें हाईएस्ट पावर जो होता है एक्स का वो 3 होता है. उसके बाद उसके छोटे पावर्स होते हैं. इनमें से कोई टर्म्स एब्सेंट हो सकता है, बट दिस टर्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन क्यूबिक पॉलिनोमियल. एक्स क्यूब का टर्म होना जरूरी है. ये सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स टू दी पावर 4 या एक्स टू दी पावर 5 नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो जनरली ऐसे इक्वेशंस के 3 आंसर्स होते हैं. एक्स की 3 वैल्यूज होती है. एक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एक को हम बीटा से डिनोट करते हैं, और एक को हम गामा से डिनोट करते हैं. इसका मतलब ये है कि एक्स की 3 वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो सकती है. That is why it is known as zero of the polynomial. So how to find out these three values or these three roots of cubic polynomial? हम ये देखेंगे इस वीडियो में. उसके अलावा हम देखेंगे कि हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि जो ये हमने आंसर्स फाइंड आउट किए हैं ये सही है. थर्ड हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें रूट्स दिया हुआ है, मतलब अगर हमें अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, तो हम उससे इस इक्वेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, मतलब आंसर से क्वेश्चन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं. बिकॉज अगर 3 रूट्स दिए हुए तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 and only 1 पॉलिनोमियल. इसके जो आंसर होंगे, अगर आंसर दिया जाए तो उससे यही सेम इक्वेशन बैक बन सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू फाइंड द रूट्स. लेट्स टेक एन इक्वेशन 27x³ माइनस I am purposely taking this equation. Actually, there are 2 ways to find out the roots of the equation. एक तो ये होता है कि जब हमें कोई identity ही नजर आ जाए. Cube की identity generally 2 होती है. एक तो a plus b whole cube which expands to a cube plus 3ab square plus 3a square b plus b cube. एक तो ये होती है. दूसरा a minus b whole cube. ये 2 cubic identities है जो यहाँ पे काम आएंगी. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab². सो दीज आर द 2 आइडेंटिटीज जो हमें फाइंड आउट करनी है कि इसमें है कि नहीं. जनरली आपको ये नजर आ जाएगी आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स दिए रहेंगे वो किसी के क्यूब्स नजर आएंगे. एटलीस्ट 2 नंबर्स तो नजर आएंगे. तो दिस विल बी 3x होल क्यूब एंड दिस इज माइनस 2 क्यूब. तो अगर मैं इसको a मान लूं, 3x को a मान लूं और 2 को b मान लूं, तो लेट सी इफ द मिडिल टर्म्स आर 3a² b एंड 3ab² और नॉट. सो दिस इज माइनस 3 into a² दैट इज 3x² into b दैट इज 2 प्लस 3a and b². सो इफ आई सॉल्व दिस द मिडिल टर्म्स, सो इट विल बिकम 3 3s are 9 एंड 9 6s are 54. दस आई एम वेरीफाइंग whether it is 3a² b and 3ab² or not. It is 4 4 9s are 36, 36x minus 8. It means it is following the identity a minus b whole cube. और जब ये identity मुझे दिखाई दे रही है तो I can simply write it a minus b whole cube. तो ये factorize हो गया. तो ये factorization method हम इसे कहते हैं. हमें cubic polynomial को factorize करना है with the help of identity. So it will become 3x minus 2 into 3x minus 2 into 3x minus 2. So now in order to find out the roots, we know कि x की ऐसी क्या value हो कि ये polynomial जो है वो 0 हो जाए. तो actually मैंने इस polynomial को ही इस form में लिखा है. तो ये 0 तब होगा जब इन तीनों में से कोई भी term 0 होगा, क्योंकि 0 multiplied by anything is 0 and these 3 terms are in multiplication. So, ये तीनों टर्म एक ही हैं, तो इसका मतलब है 3x minus 2 should be equal to 0 and 3x is equals to 2 और x is equals to 2 upon 3. इसमें अल्फा बीटा और गामा सेम है और तीनों की वैल्यू 2 upon 3 आ रही है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. बट आई डोंट थिंक इन दिस क्लास 10th यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस. इसमें आइडेंटिटी वाले नहीं होते. वी हैव टू फाइंड द रूट्स विथ सम अदर मेथड. तो हम इसमें एक डिफरेंट मेथड लेते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड.
या फिर इसे हम फैक्टर मेथड भी कहते हैं। इसमें भी हम फैक्टराइज करते हैं, बट हम इसमें उस तरीके के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं जिसमें कि हमें आइडेंटिटी नहीं नजर आ रही है, और अगर आइडेंटिटी नजर आ रही है तो भी ये वाला मेथड जो है वो वर्क करेगा। ये हर टाइप के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में वर्क करेगा। सो लेट्स टेक अ डिफरेंट इक्वेशन। यहाँ पे देखो कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं नजर आ रहा है। सो वी विल डू हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले आप ये समझो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब ए यहाँ पे 3 है। बी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज -5। सी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, दैट इज -11। एंड डी इज द कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज -3। सो दिस इज वॉट इज ए बी सी एंड डी। दिस यू मे नीड फर्दर। सो लेट्स स्टार्ट विथ हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें एक्चुअली इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें पहले इसका एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम पहले कॉन्स्टेंट टर्म को देखेंगे, मतलब डी को देखेंगे, और हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। जो हमें इजिली नजर आ रहे हैं वो तो ये है कि +1 इसका फैक्टर हो सकता है, -1 हो सकता है, +3 हो सकता है, और -3 हो सकता है। तो ये चार इसके फैक्टर्स होते हैं। तो हम एक एक की वैल्यू डाल के इसमें देखेंगे क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं 1 को डालती हूँ और देखती हूँ ये आ रहा है कि नहीं जीरो। 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर सब 1 ही होता है। सो दिस विल कम आउट टू बी 3 -5 -11 -3 विच इज -16। सो दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी जीरो। सो लेट्स पुट -1 इज दैट। आप ये मत सोचो कि इतने सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी आ जाता है। लेट्स पुट -1 इन दिस। ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर एक्सपोनेंट में एक ऑड नंबर होता है तो आंसर -1 आएगा। -1 इंटू -1 इंटू -1 विल बी -1। लेकिन अगर एक्सपोनेंट में इवन नंबर होता है तो इट बिकम्स +1, बिकॉज -1 इंटू -1 इज +1। सो दिस विल बी माइनस, इट विल बिकम -3 -5 +11 एंड -3। सो दिस विल बिकम -11 +11 एंड दिस विल बिकम 0। तो हमने एक जीरो तो फाइंड आउट कर लिया, -1 इज द जीरो, क्योंकि -1 की वैल्यू डालने में एक्स पे ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ गई। सो हमें एक चीज तो मिल गई, एक रूट मिल गया कि अल्फा जो है वो हमारा -1 आ गया। अगर एक जीरो -1 है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू -1, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक्स +1 इज द फैक्टर। अब हमें एक फैक्टर पता चल गया, हमें दो फैक्टर्स और पता लगाने हैं। उसके लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स डिवाइड पी एक्स विथ दिस जी एक्स। हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा बाकी फैक्टर्स पता करने के लिए। दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी 3x² ऑन चेंजिंग द साइन। दिस विल डेफिनेटली कट आउट, दिस विल बिकम -8x². द रिमाइंडर विल ऑलवेज कम आउट टू बी जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, मतलब आपने गलत सम किया है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा तो जीरो ही आएगा। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर दैट वी हैव गॉट, 3x² -8x -3। सो वी हैव स्प्लिट दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इनटू टू फैक्टर्स, वन इज एक्स +1 एंड द अनदर वन इज 3x² -8x -3। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -9। और अगर हम मुझे -8 चाहिए तो आई विल डू -9 इंटू 1। सो आई विल फैक्टराइज इट, इट विल बिकम 3x² -9x +x -3। अगर मैं इसमें दोनों की पेयरिंग करूंगी सो इट विल बिकम एक्स +1। इफ आई टेक आउट 3 कॉमन सो इट विल बिकम एक्स -3 एंड इफ आई टेक इट 1, इफ आई टेक 1 कॉमन आउट इट विल बिकम एक्स -3। आई होप यू नो हाउ टू डू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। If you do not know, you can watch another video which explains splitting the middle term in a very fine way. So this is how we have factorized this cubic polynomial into three terms. इससे बाकी के दो zeros निकल जाएंगे। इसकी वजह से जो zero आएगा वो आएगा x is equals to 3, और इसकी वजह से जो zero आएगा वो आएगा x is equals to -1/3. So finally we have found out the three roots alpha,
जो हमारा पहले आ चुका था माइनस वन, जो इसकी वजह से आया था. बीटा इज 3 एंड गामा इज माइनस वन अपॉन 3. सो दीज आर द 3 रूट्स. नाउ विल डू द वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मीन्स कि हमने जो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट किए, हमें वो चेक करना है कि वो सही है कि नहीं. जैसे अल्फा वॉज माइनस वन, बीटा वॉज 3 एंड गामा वॉज माइनस वन अपॉन 3. सो दीज आर द 3 रिलेशनशिप्स. That sum of the all roots is equals to minus b upon a, product of the roots is minus d upon a, or sum of the product of the roots taken two at a time is c upon a. मतलब alpha plus beta plus gamma is minus b upon a, alpha beta gamma is minus d upon a, and alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is c upon a. So these three रिलेशनशिप्स यू हैव टू रिमेम्बर. अल्फा बीटा और गामा तो हमने देख लिया, ये 3 रूट्स हैं. और ए बी सी क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, बी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, एंड डी इज द होल कॉन्स्टेंट टर्म. सो आप ये रिलेशनशिप से वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किए हैं वो सही है कि नहीं. नाउ लेट्स फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेट्स सी इफ इट इज माइनस बी अपॉन ए और नॉट. सो माइनस वन प्लस 3 प्लस माइनस वन अपॉन 3 इज इक्वल टू बी इज माइनस 5 एंड ए इज 3. सो लेट सी इफ इट कम्स आउट टू बी माई अपॉन 3 और नॉट दिस लेफ्ट हैंड साइड. सो विल टेक द एलसीएम, इट विल बी माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1. हियर इट इज माइनस बी, सो इट विल बी माइनस माइनस 5 अपॉन ए, एंड हियर इट इज 5 अपॉन 3. सो लेफ्ट हैंड साइड वुड बी माइनस 4 प्लस 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. सो दिस कम्स आउट टू बी 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. सो विद दिस रिलेशनशिप वी हैव फाइंड आउट दैट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रियल रूट्स. लेट्स ट्राई द सेकेंड रिलेशनशिप, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस डी अपॉन ए. सो दिस विल बी माइनस 1 इंटू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस डी इज माइनस 3. सो माइनस 3 अपॉन 3. सो इट विल बी हियर इट विल बी 3 अपॉन 3. अगेन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 3 अपॉन 3. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. द सेकेंड रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड. नाउ लेट्स वेरीफाई थ्रू थर्ड इक्वेशन. अल्फा बीटा इट मीन्स माइनस 1 इंटू 3 प्लस बीटा गामा दैट इज 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस अल्फा गामा दैट इज माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए. सी इज दिस वन, सी अपॉन ए. सो इट विल बी माइनस 11 अपॉन 3. नाउ दिस इज माइनस 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3. सो इट विल बी माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 3. इफ आई सॉल्व दिस बाय टेकिंग एलसीएम इट विल बी माइनस 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 3 विच इज द राइट हैंड साइड. सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई दैट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स. सो फार वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एंड हाउ टू वेरीफाई इट. नाउ विल सी that if the roots are given, if this is given, how can you approach to the equation? It means, अगर हमें answers दिए हुए तो हम उससे polynomial कैसे बना सकते हैं? It means, if alpha, beta and gamma are given, then how you make this polynomial? So, there is a formula. X cube minus sum of the zeros, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. X cube minus sum of the zeros is alpha, beta plus gamma into X square प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम. मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा. लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एंड लुक इफ दे आर सेम. यू कैन टेक एनी थिंग लाइक यू कैन टेक अल्फा दिस बीटा दिस एंड गामा दिस और यू कैन ऑल्सो टेक माइनस वन एज अल्फा वॉट एवर यू लाइक. So let's substitute the value. It will be x cube minus alpha plus beta plus gamma will be 3 minus 1 minus 1 upon 3 into x square
plus alpha beta means 3 into minus 1 plus beta gamma that is minus 1 into minus 1 upon 3 plus alpha gamma that is 3 into minus 1 upon 3 into x minus alpha beta gamma that is 3 into minus 1 into minus 1 upon 3. So on solving this it will become x cube minus, again on solving this it will become 9 minus 4 that is 5 upon 3 x square plus, if I take the LCM it will be minus 9 plus 1 minus 3 into x minus 1. So it will become x cube minus 5 upon 3x square minus 11 upon 3x minus 1. If I take this as a 0 and if I take the LCM, this will become 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 upon 3, and here it is 0. So if I take this over right hand side, the equation would become 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, which is the polynomial. For this you have to remember this relationship either in this form or in this form, but sometimes due to anxiety we may forget this. So don't worry, there is still one method where you can make this equation very easily. I am telling you this because you might require it sometime, but there is a very easy way where you can make an equation from the roots. Let's see how it is. We have three roots. Alpha is equals to minus 1, beta is equals to 3, and gamma is equals to minus 1 upon 3. So if this is the root, it means x plus 1 is the factor. If beta is 3, then x minus 3 is the factor. And if gamma is minus 1 upon 3, it means x plus 1 upon 3 is the factor. We can further simplify it by taking the LCM and in this term. If I take the LCM, the three terms will go like this, x minus 3 and 3x plus 1. So if you multiply these three terms, you will get polynomial. It is as simple as that. So let's start with the first two terms. It is x square minus 3x plus x minus 3. And the second term would be 3x plus 1. So this is the like term. So we can further solve it. X square minus 2x minus 3. And the second term is 3x plus 1. Now let's multiply this with this and this with this. So it will become 3x cube plus x square. If I do this, it will become minus 6x square minus 2x minus 9x minus 3. So let's see, the cubic term is 3x cube. X square term would be minus 5x. X term would be minus 11x and this is 3. So this is how we get the polynomial, and this method is quite easy because students tend to forget this relationship. This one, x cube minus sum of the zeros into x square plus sum of the product of the zeros taken two at a time into x minus product of the zeros. So if you forget this relationship, just make out three factors from the three zeros, multiply them and get the equation. So this was all about cubic polynomial. I hope you understood it well. Thank you.